जानकारी जालोर से, जहां एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखी गई। बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता को इस कार्रवाई में ट्रैप किया गया है। जालोर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां विनोद कुमार को 4000 रुपए की रिश्वत लेते दबोचा गया है। ट्रांसफार्मर बदलने की एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। जालोर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता को ट्रैप किया गया है। विनोद कुमार को 4000 रुपए की रिश्वत लेते दबोचा गया। ट्रांसफार्मर बदलने की एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। जालोर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, जहां बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता को 4000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। आपको बता दें, ट्रांसफार्मर बदलने की एवज में इस घूस की मांग की गई थी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मफतलाल। जालोर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां ईसीबी की कार्रवाई देखी गई। बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता को 4000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। क्या कुछ अधिक जानकारी कार्रवाई को लेकर? जी, मैं बताना चाहूंगा, जालोर एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई। 4000 रुपए की रिश्वत में जो है कनिष्ठ अभियंता विनोद कुमार को गिरफ्तार किया गया है और उनके घर की तलाशी भी ली जा रही है। अभी जो है उनको और भी पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि ट्रांसफर बदलने की एवज में जो पैसे मांगे गए थे, पहले 10000 की डिमांड की गई थी, उसके बाद में 4000 रुपए में जो सत्यापन करने के बाद उसकी गिरफ्तारी की गई थी। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। अरे दो मुझे ही करना है।